कैन प्रोड्यूस बजदिया कोई बर्ड है। अस्सलाम वालेकुम, पंज दरियावां दी धरती पंजाब ते मेरा सोहना शहर लाहौर, लाहौर दे इलाका गुलशन रावी दे विच मैं आया वहां ते बड़ी नामी गिरामी शख्सियत एग्रीकल्चर नूं प्रमोट कर रहे ने ते माशाल्लाह कई किस्म दे बर्ड ब्रीड करवा रहे ने। वकास अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम जी। वकास भाई, सब तो पहले तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, इस पैनिक माहौल तुसी इखलाकी जुदत दा मुजाहरा करदे हो, कैमरे सामने आए हो। नहीं जी, मैं खादिम कहना अपने आप नूं, एग्रीकल्चर तमाम किसी भी स्पीशी दे होण या इस होबी दा, तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हाँ। ठीक हो गया वकास भाई, कुछ चीज़ें है ने जो लोग सुनना चाह रहे हैं, असी भी समझने हैं, तुसी भी समझते हो, लेकिन जो कोई साल दो साल पहले आए ने लबड़ होबी दे विच, वो सुनना चाह रहे हैं सर, लबड़ का फ्यूचर की है? लबड़ का फ्यूचर अज तो 20 साल पहले भी लबड़ है सी, अज तो 20 साल बाद भी लबड़ होएगा। ठीक है, सिर्फ असी एडमिट नहीं करना चाह रहे। ठीक है, एर विच दो शैवां ने जिहड़ियां तुसी जे ऐड ऑन कर लो तो चंगा जिंदा रहोगे, जे नहीं करोगे तो जिवें चलता पे मैं चलता रहेगा। ठीक है, वो चीज़ें ऐ ने कि एक तबका वो है जिहड़ा आंदा है सिर्फ और सिर्फ दूसरे का मूँह लाल वेख के। ठीक है, वो अपने हाथ दे विच कैलकुलेटर फड़ के आंदा है। ठीक है, वो चाहता है कि मेरे नाल सिर्फ और सिर्फ गल प्रॉफिटेबिलिटी की करो। दूसरा तबका वो है जिहड़ा एनू एज ए साइड बिजनेस के तौर पर लैके आंदा है, जिन्हों इस चीज़ का पता होंदा है कि एरे च मैं नफ़ा भी होना है, नुकसान भी हो सकता है, एटलीस्ट एरे नाल मेरा किचन डिस्टर्ब नहीं होएगा। वो एनू पार्ट टाइम जॉब लैंदा है, एनू शौक समझदा है, एनू होबी लैके आंदा है। ए दो तबके है ने, हमेशा मार पहले वाले तबके ने मार मारी जो मारी, तो कोशिश करो उस तबके तो थोड़ा जहा अवॉइड करो। ठीक है, या जो उन्होंने बिच लैके आना भी है तो उन्होंने समझा के लियाओ। ठीक है, कि यार कैलकुलेटर बोझू जी पा लै, फायदा होएगा, लेकिन एरे कुछ एस ओ पीज है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्होंने फॉलो करेगा, उन्होंने चलेगा तो कामयाब है, अदरवाइज साल बाद नहीं तो 6 महीने बाद सू बुरा भला कहना है, तो 2 साल बाद भी कहना है, तो हमने कह लै। अच्छा, जो पैसे कमाते हैं वो तो बुरा भला नहीं कहते? नहीं नहीं, वो नहीं कहना ना, वो फिर मैं किया ना कम। ठीक है, मतलब मैं थोड़े को आया, मैं मैंने बर्ड लुआ दौ, तो जो मैं 4 पैसे कमाए नहीं तो फिर वो तो मैं किया ना, वो तो जरूरत मेरी है ना, मैं थोड़े को आया, मेरा जोइन सी, मेरी सोच सी, मेरा कमाल नहीं है, वो तो मैं चूज किया ना इस काम कि यार मैंने काम करा दो, या मैं थोड़ा काम है कपड़े का, तुम ब्लैंकट्स बनाते हो, जो मेरे जेन आया कि यार मैं कुछ भी दुकान पा लव, तो जो मेरा काम चल पाया, मेरी दुकान चल पी है, तो फिर वो मेरा सोच है, मेरा डिसीजन से, मेरा आइडिया से, थोड़ा कोई कमाल नहीं हो, तो जे कभी मैंने कोई मसला हो गया, दुकान चली नहीं, मैं दुकान लोकेशन गलत वेख ली, मेरी इन्वेस्टमेंट घट सी, मैं काम समझिया नहीं, मैं सैलिंग का नहीं पता सी, मैं आइडियाज़ नहीं सन, तो फिर वो सारा नुकसान वो थोड़े से खाता पा लेना, मैं तुम मैंने सही समझाया नहीं। ठीक हो। अच्छा जनाब, कुछ अर्सा पहले एक रेड लिस्ट जारी करनी सी पाकिस्तान के तकरीबन मोस्ट फेमस ते सीनियर ब्रीडर उस मीटिंग च मौजूद सन, ते वकास भाई भी उत्थे मौजूद सन। वकास भाई, उस मीटिंग के हवाले ना सानू है दसो कि उस टाइम एक अनाउंस किया गया सी कि असी एक लबर्ड दी रेड लिस्ट जारी करांगे, क्या वो मीटिंग जरूरी सी, ते अगर जरूरी सी ते हुण तकर वो रेड लिस्ट क्यों नहीं जारी हुई? जी, वो मीटिंग दे विच अलहमदुल्ला पाकिस्तान दी जिहड़ियां टॉप सोसाइटीज़ ने, कुछ टॉप ब्रीडर्स ने, या जो असी समझने कि यार चेहरे ने और उहदे च असी ऐड ऑन किए सन, उस काबिज दे विच जो सिर सेरा वे और रहीम भाई दा सी। बिल्कुल ठीक है, ते उन्होंने सानू अगे ला के वो सिर्फ रुके इस करके सी कि उहदे च कुछ ना लोकां दीआं राय सन, वो कहना चाह रहे सन कि रेट्स दे विच कोई फ्लक्चुएशन बैक मैटर्स चलते पे सन, कुछ चीज़ा सन, लेकिन अलहमदुल्ला एट द एंड ऑफ द मीटिंग उस दिन के आखिर इख्तिताम दे विच असी सारे कंक्लूड कर लिते सन, पैचअप सारा हो गया, असी रेट लिस्ट फाइनल हो चुकी ही सी, सिर्फ वेट थोड़ा जहा करवाया कि वही थोड़ी अमेंडमेंट्स हो जाए, थोड़ी चेंजिंग्स आ जाए, वो आ जाना सी, लेकिन वो अचानक
थोड़ी जी मार्केट के अनारकी फैल गई, जबकि वेख्या जाए तो वो भी कोई कबाहत नहीं सी। जे किसी फर्दे वाहिद ने या किसी सोसाइटी ने अपने तौर पर पैनिक सिचुएशन वेखते हुए पहल कर दी, उस पहल का नतीजा यह होया कि इंटेंशन, मैं कतल नहीं कहता कि इंटेंशन गलती की सी, उन्होंने अपने वालों चंगा ही किया, आसानी वास्ते किया कि जोड़ा छोटा बंदा परेशान है, अभी भी लोग परेशान ना कहते वो कितने गई रेटलिस्ट, थोड़ा भी सवाल यही है ना कि कितने गई रेटलिस्ट, तो उस तशरीकी दूर करने वास्ते उन्होंने एक, क्योंकि वो मौजूद सन उत्थे, उन्होंने वेख्या कि यार रिजेंबलिंग रेट्स उन्होंने तकरीबन कैलकुलेट करते, उन्होंने एक तुम स्पेसिमेन देता और ही फिर नैगेटिविटी फैली, फिर लोगों ने ट्रोल किया, फिर सारा फेक अकाउंट ने बड़ा डिस्टर्ब किया। फेक अकाउंट तो है ने, मैं ताडे चैनल के तवस्सल नाल कहना चाह रहा वा, मैं इस होबी दे विच एक टाइम गुजारे है, बिल्कुल ठीक है, इस फील्ड के विच जो मैनू सीनियर नहीं मानते ना समझ, मैं अपने आप सीनियर नहीं समझता है, लेकिन अगले बंदे दे तजर्बे नूं मन लईदा हुंदा। मेरा तजर्बा अलहमदुलिल्ला मेरी फिंगर टिप्स ते गए ने बंदे जिन्होंने फेक अकाउंट बनाए ने, सिर्फ और सिर्फ कदूरत ते अदावत ही सी लवबर्ड दी, उस लवबर्ड नूं ट्रोल करन वास्ते फेक अकाउंट्स बने ने, और फेक अकाउंट्स ने ही अगे सारा अनारकी फैलाई है, जिहड़ी अफवाहां रूमर लैक पुलिंग चलती पई सारा होगा। तो सवाल वापस आने रेट लिस्ट वाला जो मामला वो इंशाल्लाह इतों फौरन बाद असी हाँ जी लैके आवेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वह ना असी छोटे तबके दे नाल वड्डे तबके नूं नहीं असी वो कर सकते छड़ सकते, वो तबके की वजह तो छोटे तबके छड़ सकते, छोटे तो मुराद हमेशा कभी भी जिंदगी ऐ नहीं लैना किसी भी व्यूअर ने कि जिहदे कोल घट परिंदे ने वह छोटा आवे, या जिहदे कोल सस्ते परिंदे ने छोटा उन्हूं पियांदे ने, छोटे तो मुराद हैगा वे जिहड़ा बेचारा एक साल पहले आया, जिहड़ा बेचारा दो साल पहले आया, जिहदी उम्र दो साल ही छोटा ही होया ना, बिल्कुल ठीक, या जिहदे कोल परिंदे ही चार जोड़े लगे ने, एक बंदे कोल क्रिमिनो पैदा ही चार बचे हुए ने, खप बोती उन्हें पानी मेरा वर्ड नहीं बिकता पाया, मेरे को 400 बच्चा ब्रीड होया है, उन्होंने लोहड़ी कोई नहीं, मैंने पता मेरा विकी जाना माशाल्लाह। सिर्फ इत्थे दी गल दिमाग की, दिमाग की गेम है, जे कोई समझ आए फार्मिंग नूं तो बड़ी आसान काम है, जे फार्मिंग किसी समझ नहीं आई उन्हें इंशाल्लाह आप ही पछाण लेना, उन्हें आवाम नूं भी पछाण रखना। तो रेटलिस्ट वाला मामला चलता हो गया है, सिर्फ अनाउंस नहीं की थी, वो सिर्फ तुम दस थोड़ी जी वो आ गई सी, गैप आ गया सी, उन्होंने इंशाल्लाह हम मिल के इंशाल्लाह जी तो बाद दे देंगे तुम सरप्राइज, कोई मसला इंशाल्लाह जी, ईद तो बाद मामला सीधे हो जाएंगे। एक सवाल मेरे जहन च आ रहा है, मैं पूछ ही लेना वा, क्योंकि माशाल्लाह विकास भाई ना मिले हाँ, तो महसूस होया कि यार जुबान दे दिल दे बड़े साफ ने, जो गल असी कैमरे तो हट के कर रहे सही गुफ्तगू इतनी हो रही है। विकास भाई तकरीबन 25-30 ब्रीडर उत्थे मौजूद सन, मैं बिजनेस कर रहा वहाँ कंबलों का, मैं आजम मार्केट कोई 22-23 साल तो बैठा वहाँ, कारोबार मैं भी समझना वा कि मार्केट के अप्स एंड डाउनस आते हैं, हर काम च आते हैं, आजम मार्केट कोई छोटी जी भी दुकान हो 3-4 करोड़ तो घट नहीं है, करोड़ों रुपया उत्थे सौदा भी पैंदा, वह भी एस एम एस हाथ हाथ रख के बैठे हुए हैं, मुल्की सूरत हाल इकोनमी डिस्टर्ब हैगी है। अगर जिन्हें उत्थे 25-30 लोग मौजूद सन, मैं ज़्यादा की गल नहीं करता, 2-2 लाख रुपया पाते तो 50 लाख रुपया मार्केट से सुट देंगे, जैसा कि तुम्हें कहा कि जो 2 साल तो या साल तो जिन्हें सिर्फ क्रीमी ने 2-4 ब्रीड करवाए, अल्बाइनो लाइडे 2-4-5 पीस ब्रीड करवाए, अगर उन्होंने कोलों थोड़े थोड़े पैसे पा के 50 लाख रुपया अगर मार्केट सुट दे तो उन्होंने को बर्ड चुक लेंगे, तो क्या तुम समझते कि मार्केट स्टेबल हो जाती जी? पहले दसोगे गल तुम कि दसी सर मेरा एक सवाल है मेरे जहन च आ रहा है कि माशाल्लाह उधर गल हुई सी एक मिनट सॉरी। अच्छा मैं एक चीज़ का सोच रहा हाँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल विकास भाई मेरे को बर्ड खरीद दे 2 लाख रुपये खरीदे, और 2 लाख मैं जेब से नहीं रखना सी, मैं यकीन करो दोबारा विकास भाई को आना कि विकास भाई मैं अपडेट करवाओ, मैं पॉसीबल स्पीड डन फैलो दो, मैं स्पीड डन फैलो दो, मैं पैसे दोबारा लैके इन्हों को आ जाना सी। विकास भाई यह गल उ कि नहीं की मैं नहीं पता, मैं उत्थे मौजूद नहीं सर यह गल उत्थे हुई सी, यह गल उत्थे मैं की सी, तो मैं डरदे की सी कि मेरे तो मासा मोस्ट सीनियर बंदे उत्थे मौजूद सन, बड़े दिग्गज जिहड़े परसनैलिटीज़ ने उत्थे मौजूद सन, सिर्फ मेरे ज़हन च किराए आए सी मशवरे दे तौर ते, मैं गल कीती कि यार असी चाहिए तो चंद बंदे मिल के 20-20 लाख रुपया पा लीए, 10-10 लाख रुपया पा के, वह बंदा जिहड़ा बिल्कुल माड़ा बंदा है या जिहड़ा बिल्कुल जिहड़ा
एक साल का बेबी है और किन्ने को लवाइन हो गए, किन्ने को पेल फैल हो गए, किन्ने को डायल्यूट हो गए, किन्ने को उन्हें प्लाइमिट कराए हो गए। जे असी री इनवैसट अपने ही काम में आप कर लीए तो एटलीस्ट जी एनार्की फैली है ना यह दब जाती है, यह मर जाती है। कारोबार के कुछ टैक्टिक्स होंगे ने, कुछ लोग रियलिस्टिक नहीं होंगे, कुछ लोग थोड़े जे कह लो कि पैसिव माइंडसेट जे नहीं होंगे। मैं गल चूंकि खुली कर देना वा तो शायद इसलिए बुरा भी कई लोग मैं समझते हो शायद कि यार है बहुता ही बंदा मूँह फटेगा वे तो सीधी गल डायरेक्टिव आ जाता है। वो गल ऐसे मकसद लिए की गई सी कि यार जे असी री इनवैसट अपने ही कारोबार इस नहीं करना तो कितने करना, तुसी प्रॉपर्टी का काम वेख लवो। प्रॉपर्टी के काम के लोग की करते हैं, वो जदों कोई नया ब्लॉक लॉन्च करते हैं या जो कोई नई नई सोसाइटी लॉन्च करते हैं तो एक उन्होंने अपने ही डीलरस होंगे ने, सब डीलरस होंगे ने, एक उन्होंने गैदरिंग होंगी है और रेट्स अनाउंस होंगे ने और मोनोपली करते हैं या कोई पॉजिटिव या नैगेटिव जो भी होंगी उत्थे ही तशील देते हैं, पैदा होंगी है तो वो मार्केट के मार्केट हो जाती। स्टेबिलिटी जे असी लैके नहीं आनी तो किन्ने लैके आनी, जे असी नहीं सोचना मार्केट स्टेबिलिटी तो किन्ने सोचना है। एक उत्थे एक गल हुई सी लेकिन वो इतफाक नहीं होया गया, रिस्पॉन्स की आया और रिस्पॉन्स नहीं आया, और मतलब रिस्पॉन्स आया कि असी नहीं कर सकते। 25-30 बंदे जो होती है 25-30 बंदे जो कोई बंदा नहीं सी, दो तीन बंदे ने कहा कि हाँ जी हो सकता है कर सकते हैं। नाम अगर शेयर करो तो शेख साहब ने कहा कि हाँ जी, नवीन शेख साहब ने उन्होंने कहा कि मैं पाना ठीक करने हैं। असी BGC लैब के दफ्तर बैठे सर, डॉक्टर फैसल सन, डॉक्टर समी साहब सन, PLF के फीस भाई सन, काफ़ी बंदे मतलब उत्थे मौजूद सन। उत्थे भी यह गल हुई है रेट लिस्ट तो पहले ही गल ही है। मैं किसी भी निजी महफिल बहना वहाँ तो मेरा जहन होंगे कि यार अपना जरा अंदर की एक ख्वाहिश है ना और इजहार कर दईए ताकि एटलीस्ट पब्लिकली ना हो, लेकिन जो बंद सुनते पे ने अपने अपने घर अप्लाई करे ना, मतलब तेरे नाल चार बंदे एसोसीएट ही ने, तुसी अपने चार बंद भी पवा देंगे हो, साढ़े चार बंद बंदे राजी ने। मेरे नाल अगर 10 बंदे इंगेज ही गए ने, मेरे 10 कस्टमर गैल हो गए हैं, जे मैं उस 10 नूं अच्छे राइट पाथ ते पा दिंदा वा, उन्होंने समझा दिंदा वा, गाइडलाइन दे दिंदा, बर्ड इत्थे विकना है, एने का विकना है, या एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया आए, एने का बर्ड जा रहा है, अपना माल वेचो, वो ईजी ने। हर बंदा अपने अपने नाल लिंक्ड बंदियां नूं एसोसीएट जिहड़े बंदे ने उन्हां नूं ही अगर ईजी कर लवे तो हो गई कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि मार्केट स्टेबल हो सकता है। मतलब ठेका नहीं लिता पूरे पाकिस्तान का ना, मेरे जो मेरे दो चार दस बंदे मेरे तो कोई जिम्मेदारी पंजाब की नहीं, सिर्फ उन्होंने पुगा लवा बड़ी गल है। तो यही मकसद में जेन च रखते हुए किसी भी निजी महफिल अभी बहने जो तो मैं कोशिश करना कि यार गल पा दें सर यह मशा मैं दस मैं कथा कलामी कर रहे हैं। अगर जैसा कि तुम्हें क्या जो तेरे लोग अटैच है, अगर तेरे 10 लोग अटैच ने तो अगर 30 बंदे है सर तो 300 फैंसीयर कवर होंगे। 300 फैंसीयर का मैं कह रहा 300 बंदा फैंसीयर कवर होंगे, 300 फैंसीयर का 10% भी कवर हो जाए ना तो तुम वेखो कम कितने जाता है। असल वेखो मैं परसनल माइंडसैट का मेरा माइंडसैट यह होंगे कि मैं मेरी जे तुम कभी मेरे सर्कल के बंदे मिले हो तो तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि यह बंदा डरांदा है, भजांदा है। मैं कभी किसी को कैरोट फड़ के जरबा मार के समझाया नहीं कि आह कम कर लो, मेरी कोशिश होंगी कि इन्हें भजा दियो दौड़ जा उन्होंने डराईद है, तोते ने मरना भी है, उड़ना भी है, एन बीमार भी होना है, एन ब्रीड नहीं भी करना, एरा बर्ड नहीं भी बिकना, समटाइम रेट थले आ जाता है, उन्होंने पूरा डरा दे दिया पहले जो कहना मैं डर गया मैं नहीं करना उन्होंने सामान सर कारोबार का तरीका ही आई है। साड़ी मिस्टेक साढ़े को हुई है कि असी सब क्या वालो कुड़ियो वंडी के तोते लै जाओ, वो जो असी हर बंद फरान नहीं की ना तोता जिन्हें कहा मैं 2 लाख रुपया मैंने काम करना है बिस्मिल्ला आई जा, मेरे पास 5 लाख रुपया मैंने काम करना बिस्मिल्ला आई जा, असी वह कैलेबर नहीं वेखिया और पैशन नहीं वेखिया और पेशेंस नहीं वेखी, उन्होंने काम आंदा कि नहीं आंदा उन्होंने यह नहीं वेखिया, उन्होंने बिठ को इंतकाल आँदी है, उन्होंने क्रैत आँदी है, उन्हें असी यह नहीं वेखिया, असी क्या फिलहाल 2 लाख रुपया कि हो ना जाए बिस्मिल्ला आँदे, यह साड़ी मेन मिसटेक ही सी है। तो जो असी मिसटेक कर लीती है तो हम सब चाहिए असं पुगाते और ढोल लाते और मगर खिलाते और किला बनते असी उन्हें सपोर्ट करिए। तो अज जी एनार्की फैली है जो तो नज़र आ रहा है वक्ती तौर पर यह जरूरी भी सी, हुण थोड़ा जिहा दूसरा रुख वेखिए तो यह जरूरी भी सी, यह फसली बटेरे उड़ जाएंगे जिन्हें दौड़ना वे दौड़ जाएंगे जिन्हें रहना वे, मतलब मैं 20 साल तो इस काम में गाँव तो असी क्यों नहीं भजे। बेशुमार बंदे आने ने जो साइलेंट हो गए ने, वो कहते हैं कि यार एरे सामने नहीं आना, हुण साड़ी वीडियो लगेगी थले कमेंट्स पॉजिटिव भी आएंगे नैगेटिव भी आएंगे आते रहन,
आई डोंट केयर अ डैम। बिल्कुल सही है। सच्ची गल जिन्हों समझ नहीं ना आनी वो मेरे वालों ईजी हो जाए, मैं उन्हें कोई सरोकार नहीं। शेख साहब की वीडियो के बीच दो साल पहले मैं किया सी तोता तोता 10,000 रुपये का, शायद ही वेख्या इंटरव्यू जी, मैं वीडियो वेखी सी। तो शेख साहब ने कहा यार गल ना खराब हो जानी है, यह कट देंगे। मैं शाह जी यह गल नहीं कटनी, यह लानी है। उनका रिजल्ट आया कि दूसरे दिन शेख साहब आए सी, तो असं इतने ऐसे टेबल पर बैठ के खाना खा रहे सर। शेख साहब ने कहा वेखो, उन्हें मैंने वॉइस सुनाए मैनू, तो मैं हस हस के दूरा, मैंने लोगों गाला कड़िया कि यह कौन बंदा वे। शेख साहब आपने किसका इंटरव्यू कर लिया है, ये बंदा है कोई, ये क्या बंदा बात कर रहा है। मैं अपने तजर्बे के मुताबिक अपनी सेंस के मुताबिक एक प्रडिक्शन दी, जिस मोमेंटम नल जिस फोर्स नल लोग इन हो रहे सन ना, मैनू डाउट सी, मैं खदशा सी कि यार ऐसे मोमेंटम ने लोगों ने रिवर्ट होना। वो खौफ नू अया किया कि यार संभल के जेन बना के अपना इस काम आओ। तो मेरी गल गलत उदो भी नहीं सी, गल गलत अज भी नहीं। बिल्कुल सही। मैं एक जहन ता क्लीयर किया कि 10,000 रुपये का ताजा जहन मन गया है, मुतमईन है, लाई रखो मेरे को कम अज कम 35-40,000 दे ट्रेड हो रहा। बिल्कुल सही। तो मैं क्या कि 10,000 रुपये का, तो मैं क्रिमिनल ने किया, मैं कहते तोता 10,000 रुपये का, हर हर वर्ड 10,000 से आना है। आन तो मुराद हैगी कि साडा तोता बारबी क्यों नहीं हो सकता, ताडे घर परौने आन छत्ते भेज दो, दो मुर्गियां लुआंदे हो, जबा करके कुकड़ फ्राई कर लेंदे हो, हांडी बना लेंदे हो, कढ़ाई बना लेंदे हो, तुसी साडे तोते दी कढ़ाई नहीं बना सकते। ए लगी है सैटम हैगी है, ट्रेंडिंग बिजनेस हैगा वे, जिदे कोल स्पेयर माल पे है उन्हें अर इनवैस करना है, जरूरत समझ के किसी ने इनवैस नहीं करना। साडा मेन कम लिंकड हैगा एक्सपोर्ट नाल, तोता 10,000 ते आएगा तो एक्सपोर्ट होएगा। तुसी की समझते हो कि एक्सपोर्ट हलवा वे, इंपोर्टर नूं ते चलो असी कह सकने कि चलो यार सानूं इन्हें डैमेज दिता। एक्सपोर्टर दे बगैर, तुहाडी वीडियो दे विच मैं एक होर गल ऐड कर रहा, एक्सपोर्टर दे बगैर तुसी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। एक ट्राई एंगल हैगा, ठीक है, ट्राई एंगल दे तीन कोने हैगे ने, एक कोना ब्रीडर हैगा, एक कोना तुहाडा ट्रेडर या ब्रोकर हैगा, एक तुहाडा कोना हैगा एक्सपोर्टर। इस ट्राई एंगल दे विच तुसी एक शै माइनस कर दिओ, मैनूं कामयाब होकर विखाओ। बिल्कुल सही। मेरिया कुछ गल्लां होंदियां ने न्यू फैंसेस वास्ते, उन्होंने सली वास्ते, हौसले वास्ते, यह 10,000 वाली गल हैगी हौसले वास्ते कि 10,000 का बेयर कर सकते हो। वो कह यार मैंने तो ये पेड़ लिया था 3,00,000 रुपये का, और मैंने इसको ब्रीड करवाया सोच के कि इसका बच्चा बेचूंगा 3,00,000 रुपये का। तो मैं गल उन्हें समझाई से कि यार जिससे भी बेयर लिया आपने, सब हम भाई हैं इस होबी के अंदर, तू 10,000 रुपये का जेन च रख रख सकना अपने। उन्हें कहा भाई मैं रख सकना, तू बस 30 बच्चे ब्रीड कराने ने 13,000,000 पूरा, अरे इसकी बढ़ाई है 2 साल चला ला, 10,000 रुपया बड़े पैसे है। फरूक जहांगीर भाई साढ़े यूके होंगे ने माशाला, उन्होंने इंटरव्यू के मैं अज तो 2.5 साल पहले एक गल कोट करवाई सी कि एक फॉर्मूला दे रहा तुहानू, वो फॉर्मूले अमल करो। तोता तुहां लिता है 10,00,000 रुपये का, तोता लिता है 30,00,000 रुपये का, तोता लिता है 1,000 रुपये का, बच्चा 10% का गल, ठीक है। यह फॉर्मूला फरूक जहांगीर भाई ने बड़ा ही प्रमोट किया, बड़ा ही जिन्हों मज़ा आया लोगों को उन्होंने एडमिट किया, जिन्होंने समझ नहीं आई उन्होंने कहा ईजी हो यह गल मिट्टी गई है। अज उ बंदे सोच बने यार वो गल सही सी, तुहानू व्यूअर्स नू ब्रीडर्स नू फैंसियर्स नू परेशानी ना हो, बीमार ना हो। कई बंदे टीवी के मरीज़ बन गए ने, कई हाइपरटेंसिव के मरीज़ बन गए ने, कई दिल के अटैक आ गए हैं कि मैं 2 करोड़ पाया मेरा काम रुड़ गया। यह गल् मैं जी न्यू फैंसियर वास्ते, व्डे फैंसियर्स या जोड़े अलीट क्लास है सी उन्होंने नहीं कीतियाँ, और रजे ने अलहमदुल्ला तवंगर ने, वो माल कमा भी सकते हैं, कमाते भी पे ने, उन्होंने को आइडियाज ही ने। माड़ा बंदा जोड़ा ऐड हो रहा है गल वो वास्ते ही सी, तोता 10,000 रुपये का फार्मूला कटिया, तोता बच्चा 10% का, ताकि तुहानू आसानी रहे। तुसी जोड़ा लिता 3,00,000 रुपये का, तुसी 30 बच्चे बीड कराए ने, जरबे 10,000 पैसे कवर हो गए, वो तुम साल करा लो, 2 साल करा लो, 3 साल करा लो, तुसी ईजी हो, तारा नुकसान कितने है सर। नुकसान हूँ नैक्सट स्टैप जो तुम जैसा कि किया कि ईद तो बाद इंशाल्लाह ताला सब से सरप्राइज होएगा कि इंशाल्लाह हो जाएगी, जारी हो जाएगी। इस वक्त सर मैं जो वेखिया जिन्हें लोगों को विकास भाई मैं गया वहाँ तो सीनियर ब्रीडर को जाना, मेरी हमेशा कोशिश रही है। इस वक्त कई यूट्यूबर दौड़ चुके हैं जो वीडियो नहीं बना रहे, मैं अलहमदुल्ला वीडियो बना रहा वहाँ, जिन्हें मैं बर्ड सेल की तो भी वीडियो बनाई, विकास भाई को टाइम दिता, इन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, मैं कहा जी ईद स्पेशल करना, मैं ईद के उत्ते प्रोग्राम तड़ा लगाना, अपने क्या आ जाओ बैठने
मकसद है कि यार असी पहले भी पॉजिटिव सोचा है, हूँ भी असी पॉजिटिव सोच रहे हैं इस माहौल के बीच भी। विकास भाई जो न्यू फैंस इस टाइम परेशान ने, उन्हें बर्ड सेल ही नहीं हो रहा, ना मार्केट ले लै रहे हैं, कई लबड़ ब्रीडर ऐसे होंगे जो कहेंगे जी ऐसी गल वीडियो नहीं करनी चाहिए कि बर्ड सेल नहीं हो रहा। करो करो गल करो, झूठ झूठ नहीं, मार्केट डाउन है, सिर्फ लबड़ नहीं जनाब, मन दिखा रहे हो। अलेक्जेंडर आयन कितना का बिकता पिया सर, बजरी कितना का बिकता पिया इस टाइम ऑल ओवर? अलेक्जेंडर आयन, बजरी, लबड़, कोई भी बर्ड छोड़ो, मैनू इस वीडियो के थले कमेंट सैक्शन दस देना, पूरे पाकिस्तान दे विच कोई तीन कारोबार मैं दस दो जो बड़े टॉप चलते पे, सिंपल बिल्कुल ठीक गल मुकाती ना सर। मैं मियां अहमद साहब को गया वहाँ, उन्होंने सरिए का मिल हैगी पाइप का काम है, उन्होंने कहा यार इस टाइम काम कुछ नहीं है। मैं सिंपल गल मुकाती, आप तोते की गल करते नहीं पे, आप कहने पे यार पूरे पाकिस्तान दे विच तीन कारोबार मैं थले लिख के विखा देना भाजन, ए कारोबार पाकिस्तान दे विच टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस करते पे ने इस वक्त। मैं भाए न जो तुम सजा दोगे मैं ताबेदार हैगा, मुल्की हालात ताडे नाल नहीं गए, सियासत ताडे मुल्की हालात चंगे टाइम जो इलैक्शन आ गए, चंगे टाइम के विच तुहानू साइन दवाया, रमजान खैर नाल आ गया, लोगों की कुछ प्रायोरिटीज़ होंदियां ने, उन्होंने वो प्रायोरिटी सैट की होंदियां, जिदे कोल मिसाल के तौर पर एक लख रुपया गया, वो लख रुपया उसके कुल कायनात ही है, वो हूँ सोचता पाया कि यार हुकूमत टुटती पई है, इलैक्शन हले होने, पता नहीं होने कि नहीं होने, हुकूमत कदों बनती है, नहीं बनती, मार्शल लॉ लग जाएगा, जंग लग जाएगी, वो लख खाएगा या वो लख नू सेव रखेगा अपने बच्चों वास्ते, कभी कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही, तुम तोते छड़ दो, हर पास तोते तोते असी गल करिए, तोते अलावा गल करने नैचुरल गल, एक न्यूट्रल गल करो। मैं तुम्हें कहा कि यार फलां कारोबार है वे, यह गिलास बनते पे, इस गिलास की फैक्टरी के लख पाओ, लख आता है, तुम पाओगे कभी भी नहीं पाओगे, क्योंकि भाएं लख मेरे को है, मेरी कुल कायनात हैगी है, तीन महीने जो मुल्क बंद हो गया तो मैं बच्चों रोटी खवानी है, इतने खवानी है ना, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई कारोबार नहीं होएगा। मीनवाइल खैर ना रमजान स्टार्ट हो गया, रमजान भी साड़ी प्रायोरिटीज होर होंदिया ने जी, बिल्कुल कोई कारोबार नहीं होंगे, रही सही कसर कटती कुछ फेक अकाउंट्स ने, तो कुछ लड़ाई हैगी सी दो हाथियों की, वो दो हाथियों के नुकसान पिंड का होंगे, हाथियों का नहीं होंगे, तो हाथियों की लड़ाई के बेचे बेच कुछ बलूंगड़े भी सन, उन्होंने भी फायदा ले लिया, सीधी गल् सचिया गल् ने, तो वो असी फायदा आप दिता। अच्छा विकास भाई मैंने एक गल दसो, क्या तुम समझते हो कि कुछ दूसरे बर्ड्स वाले, मैं किसी को हाईलाइट नहीं करना चाहता कि बर्ड वाले सारे बस साढ़े ने, ठीक है असी एग्रीकल्चर में इंशाला प्रमोट करा, ठीक है मैं हूँ इन्होंने मशवरा भी कर रहा कि अगर मजीद अपडेट करना है, इंशाला करना, काम करना तो करना है। क्या कुछ बर्ड्स वालों ने लव बर्ड नू डिस्टर्ब किया, जैसे कि एलओ एस मार्केट है, तुम एलओ एस मार्केट 2020 तो पहले नहीं वेखते सो, चंद एक गिणिया चुनिया दो तीन दुकाना सन, इस वक्त उत्थे पूरी मार्केट भरी पई है, जिथे पिंजरे वाले भी बैठे ने, डब्बे वाले भी बैठे ने, केजा वाले भी बैठे ने, मतलब कि उत्थे एक्सेसरीज भी बिक रही है, हैंड फीड भी बिक रही है, इंपोर्टेंट दवाइया भी बिक रही ने, वो इंपोर्ट कर रहे हैं बड़ी बड़ी महंगी दवाई, क्या वो लबड़ की वजह तो नहीं है मार्केट स्टेबल हुई, क्या लबड़ की वजह तो नहीं है मार्केट के इन्ना बूम आया? बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने तलक दूसरी लाइन ना सी, लबड़ ना नहीं सन, अज उन्होंने पैनिक सिचुएशन देख के लबड़ तो बिल्कुल बायकॉट कर दिता है, मजीद उन्हें खुदा ना खासा डिगन की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम समझ दो कि अ दूसरे बर्ड्स वाले ने कोई भी ने उन्होंने यह काम किया डिस्टर्ब किया लबड़ की मार्केट में, तो क्या ऐसा होना चाहिए सी, क्या लबड़ है तो दूसरे बर्ड्स है? असल किसी की रेंज तो जनाब नहीं ना हैगी अलैगजेंडर लैन की, हर किसी रेंज से ना है डब अलबाइनो लैन की, बजरी के बहुत बहुत महंगी म्यूटिशन है, हर किसी रेंज तो नहीं है। असल में सानू थोड़ा जहा एरे ना बोल्ड हो के सोचना पेगा, थोड़ा जहा पॉजिटिव वे ना सोचना पेगा, एक दो या चंद शरीर बंदियां दी शरारतां नूं वेखदे हुए असी पूरे ग्रुप नूं या पूरी सोसाइटी नूं या पूरे क्लब नूं या पूरे एक कह लो कि ग्रो नूं गलत नहीं कह सकते, एक अद्धा बंदा शरीर होंदा है हर खानदान च होंदा है, असी किसी एक दी गलती या किसी एक दी कह लो कि शरारत नूं असी पूरे टब्बर ते नहीं पा सकते, यह भी गल माड़ी होएगी, तो कोई बर्ड दूसरे बर्ड नूं कदी भी नहीं डेकदा हैगा, लोकी ना मक्के दे हाजी बनन दा एक चाह कढ़ दिंदे अपना,
ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਚੁਦਰਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਝਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਇੰਜ ਨਾ ਲਾਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੋਚਣੀ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੀ ਆਈ ਹੋਗਾ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਬਤ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਗਾਵੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਵੇ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹਿਸੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੁਗਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਫਲਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟਵਿੰਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਐਲਓਏ ਸੀ ਗੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਖੈਰ ਵੰਡ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਫਤਗੂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਣ ਕੇ ਕੁਛ ਬਰਡਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ। ਵਿਕਾਸ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਡ ਲਿਸਟ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਡ ਸੇਲ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੁੰਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਐਲ ਓ ਐਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਲਬਾਇਨੋ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੁੰਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਅਲਬਾਇਨੋ ਰੈਡ ਆਈਸ 5,000 ਦਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਅਲਬਾਇਨੋ 'ਤੇ 7,000-8,000 ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਸੇਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦਾਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ 90% ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਰਮਲਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵਾ ਦਿੰਦਾ, 90% ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜੀਨ ਜਾਨ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਇਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਪ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਸੀਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਐਲ ਓ ਐਸ ਦਾ, ਟੁੰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ 1-2-4 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਵੇ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ ਯਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਬਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬੁਰਾ ਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜੇ ਬਰਡ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ 2 ਬਰਡ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, 400 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਬਰਡਸ ਬੀਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਉਹ 10 ਬਰਡ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, 15 ਬਰਡ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਵੇਚੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਏ ਬਰਡ, ਬੀ ਬਰਡ, ਸੀ ਬਰਡ ਹੀਗੇ, 3 ਬਰਡ ਹੀਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਏ ਬਰਡ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਬੀ ਬਰਡ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 300 ਦਾਣਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਦਾਣਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, 50 ਦਾਣਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਡਾਲਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣਾ।
ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਪੀਸ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਲਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਾਣਾ ਲੈਣਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲਾ ਮੰਡੀ ਜਾਓਗੇ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਜਾਓਗੇ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਛਾਲਮੀ ਜਾਓਗੇ ਤੋਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੈਂਸੀਅਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਡ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਛਣੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਜੁਮਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਨੋਰਮਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਵਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਵਾਬ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਰਮਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਸ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਹ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਇੰਡਸੈਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਹੋਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਵਾਮ ਨਾਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਨ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜਸ ਫਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵਨ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬੀਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਬੋਲਸ ਇਨ ਅ ਸੇਮ ਬਕਿਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਡੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਜਾ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੇੜ ਲਾਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੈਟਅਪ ਸੀਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਬੁਲਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੈਟਰ ਬਟਰ ਆਵੇ ਸਿੰਪਲ ਨੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਚਨ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਖੈਰ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਯਾਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਟ ਬੀਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਡ ਬੀਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਭੜ ਲਾ ਲਓ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੜ ਲਾ ਲਓ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿੰਚ ਲਾ ਲਓ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਬਜਰੀ ਲਾ ਲਓ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੜ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 20-20 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚੋ ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚੋ ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਬੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸ਼ੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਨ ਲਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਪੀਸ਼ੀ ਕੋਈ ਬਰਡ ਕੋਈ ਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਦ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ
कई लोग जिहड़े इस टाइम परेशान ने आवाजार ने वो इंज भी ने कि उन्हें कहा कि उन्हें कहा गया लाला तो मैं ला लिया या उन्हें लाया सी तो मैं भी ला लिया या वो है बीट करवा रहा सी तो मैंने भी लगा कि यार मैंने भी करना चाहिए तो मैं भी अपना समझ मार के लाल कर लिया मैं करवा सकना ओ नंबर तीन के उत्ते जिहड़ी शहर नूं मैं बरमला प्रमोट कर सकना प्रमोट की मद मेरी हैगी है पबलिसाइज कर सकना तुहाडे फेसबुक तुहाडा वट्सअप तुहाडी शॉप हैगी है तुहाडी दुकान है दुकान ते सवेरे जाके टाकी मार दियो बिस्मिल्ला पढ़ के दुकान खोल दियो झली मार के बहन दियो अड्डे ते गाहक सारा दिन ना आवे कभी गाल कढ़ी दुकान नूं कभी भी नहीं कढ़ी बंद कर दियो या अल्लाह तेरे सपूर्द घर आ जांदे ताड़ी फेसबुक तुहाडा वट्सअप तुहाडी शॉप है तुहाडी दुकान है अपनी दुकान नूं साफ सुथरा रखो नैगेटिव लोग की मिसाल मक्खी वांगू है 70 छावां रख दियो रेगे मिठियां सोहणियां पक्कियां उन्हें बहना गंद ही है नैगेटिविटी तो दूर रखो अपनी प्रोफाइल नूं नैगेटिव अप्रोच तो दूर रहो आप भी अपनी दुकान नूं अपनी डेली खोलो डेली खोलने तो मुराद हैगी है कि अपनी जो तुहाडी प्रोडक्शन हैगी है तुहाडी प्रोडक्ट हैगी है उन्हें शो ऑफ करो मेरे को अल्बाइनो हो गया मैं अल्बाइनो भी पोस्ट लावांगा तुहाडे कोल क्रिमिनो हो गया तो क्रिमिनो भी पोस्ट लाओगे एक बंदे कोल सादा होगा रोमो हो गया और पोस्ट लाएगा एक बंदे कोल सादा बच्चा निकले है किसी डब का उन्होंने भी पोस्ट लाएगा डजन मैटर अपनी प्रोडक्शन अपनी प्रोडक्ट नु तुसी मार्केट करना है अच्छे तरीके नाल करो कई लोग ऐसे ने जिन्हें लाया कुछ होंदा है विखांदे कुछ ने मैं कई ऐसे दोस्तों नूं जानदा वां जिहड़े अंदरले खाते ब्रीड कुछ कुछ करा रहे होंदे ने विखा कुछ रहे होंदे ने ते इस लई मैं क्या वर्ड यूज़ किया वे बरमला जिदा इजहार बरमला कर सको जिदी प्रमोशन जिदी मार्केट खुल के कर सको कि यार मैं शर्म नहीं आएगी मैं हद तक फील नहीं होएगी या मेरी शान कमी नहीं आएगी वो कर सकते हो तो वह करो एक मैं गल की ट्राई एंगल वाली ट्राई एंगल नू दिमाग लैके आओ अपने कोई कबाहत नहीं हैगी यह गल करन नाल मैं निकिया नहीं हो जाना यह गल करन नाल मेरी शान कमी नहीं आ जानी अपने आप नू मैं प्रोफेसनल ते कमर्शियल बीडर कहना वा मेरी शान नहीं घटती मेरी कोई शान कमी नहीं आती मैं मानना वा तो यह ट्राई एंगल नू जेन च लैके आओ तुसी जो ब्रीडर ही गए तो हो सकता है कि तुसी अच्छे ब्रीडर होवो तुसी अच्छे सैलर ना होवो सेल्स स्किल तुहाडे विच ना होण ते तुहानूं चाहीदा कि तुसी कोई सेल्स परसन हायर कर लो ट्रेडर्स ने या ब्रोकरस ने तुहाडे वास्ते यह काम भी करदे ने तुसी उन्हां दे नाल तुहाडे नाल अटैचमेंट होनी चाहीदी है एक्सपोर्टर्स दे नाल तुहाडी अटैचमेंट होनी चाहीदी है छोटे लैवल की गल नहीं कर रहा वड्डे लैवल की गल कर रहे हैं छोटे लैवल वाले अपने नाल जिहड़े सोशल वड्डे उन्हां दे नाल जिहड़े उन्हां दे गुरु ने उन्हां दे जिहड़े मेंटर फॉलो करदे पे ने उन्हां दे नाल एसोसीएट हो के एक चेन बनाउण ते अपना जिहड़ा सैलिंग वाला एक कह लो पॉइंट हैगा वे उतों उन्हें फिलअप कर अजकल दे दौर दी विच जिथे लोगों को खाने लिए पैसे नहीं गए बुरे हालात ने तुसी मार्केट चले जावो साडे बड़े प्यारे ब्रीडर ने हसन शाह बहुत प्यारे भाई ने इजाज भाई उन्हें एक वीडियो लाई सी कि ये मार्केट की सूरत हाल है तो सचीमुच यही गल है कारोबार पाकिस्तान के असर ने ईद हैगी है तो कपड़े की मार्केट सड़े पे ने मैं आजम मार्केट जाके वीडियो बनाई सी इस हवाले नाल ते मार्केट सनाटे मतलब जिथे आवाम अपने बच्चों के जोड़े तीन दिन ईद के तीन जोड़े के बजाय चार लैंदी सी ना अज एक लै रही है बिल्कुल कोशिश कर रही है कि यार एक तो गुजारा कर लीए चल दो ले लीए छाल मार के ते इस दौर के जो लोगों को खाने लिए पैसे नहीं गए तो उन्होंने तुहाडे लग्जरियस बिजनेस के पैसे क्यों पाने ने ते ए टाइम हुंदा वे मार्चे का मार्चा कहिंदे ने असीं उहनूं एक्सचेंज पॉलिसी नूं पुराने वक्तों के जिन्हें कणक लाई वो कणक दे के तो सब्जी ले लैंदा सी कमियार अपनी प्रोडक्ट कमियार जिहड़ा कम सी उहदा दे के तो उहदे कोलों गेहूं ले लैंदा सी चौल ले लैंदा सी वैरी गुड काम तो इहो करना मेरा जीवन मरण इहो है मैं तुहानूं मूंह ते कहिंदा पिया हां तुसीं बाद मैं कहना मेरा जीवन मरण इहो है मैं यह नहीं छड्ड सकदा तो ना मैं इहनूं लपेट के तो कोई होर काम च पैसे पा सकना फिर असी की करने हैं मैं की करना मैं फिर एक्सचेंज पॉलिसी कर दिना तुहाडे को की लगा तो यह कहते मेरे को डब लगी भैन तुहानूं चाहिए की है भैन मैं बजरी चाहिए आओ एक्सचेंज कर लेना अपने रेट सैट मेरे कर लो मैं तुम सैट कर लेना वा एक बंदा कहना यार मेरे पास राह लगा वै मैं कहना यार तेरे को राह लगे मेरे को तेरे को चाहिए है कहना मैं भैन थोड़े को डब चाहिए है मैं कहना मेरे को डब ले लै
ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਰਨ ਵਿਕਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਡ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੋਰਟ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡਿਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛੇ ਦੌਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਫ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰਫ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਇਹ 4-5 ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਓ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫੈਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅੱਛੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਸਭ ਭਾਈ ਨੇ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਬਾਲ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਿਆ ਕੇ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਖਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2020 'ਚ ਵੀ, 21 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਰੇਡਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਦੀਗਰ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਛ ਸਭ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਬਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਬਰਡ ਚੈਨਲ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੈਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਕਬਤ ਸਵਰ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਲਾਹ।